बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गवर्नमेंट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बरवक्त पहुंच सके। खबर यह है कि एक नई बड़ी पार्टी किंग्स पार्टी कह लें बनाने के हवाले से बाकायदा गेम प्लान बन गया है और पीटीआई का साथ ही साथ पट्ठा बहाने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो जाएगा। ये सारा मामला क्या, इस पर मैं आपके साथ बात करूंगा। देखिए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि ये बड़े घर ने बनाई थी। इसमें अगर किसी को शुबा है, वो अभी तक कोई इतना ही मासूम है कि जनाब इमरान हाँ की 26 साल जदोजहद को तस्लीम करता है तो मैनु हासा आ सकता है, इस गल नु सीरियस नहीं लिता जा सकता। इसलिए कि इमरान खान की 26 साल जदोजहद ने जनाब सवाए एक क्या कहते हैं टांगा पार्टी कुछ नहीं था, ठीक है। इन्होंने 2010 दे विच किक मिली और वो किक जो दी थी वो जनरल पाशा साहब ने दी थी। जनरल पाशा साहब ने जो मनारे पाकिस्तान को भरा था, जो अब जाहिर है कि बड़ी आम बातें हो रही हैं, मैं ये कोई बराह रास्त इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये दुनिया भर में ये बातें हो रही हैं कि जनाब मनारे पाकिस्तान भरन लगे हैं। फैमिलीज तो आई थी, लोग तो जाहिर निकले थे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि लाहौर के काफ़ी बड़ी आबादी जो है वो उसमें उसने शिरकत की थी। लेकिन सर मामला ये है कि वो आबादी जड़ी ना आन तो पहले जड़ा पंडाल सी ना उन्हों भरन लई बाकायदा तौर पर खिदमात लीतियां गई सन, और वो खिदमात जो हैं वो इस तरह की थी कि उन्होंने कटिंग भी इको जी सन, उन्होंने शक्ल भी इको जी सन, उन्होंने कपड़े भी इको जे सन और बोलते भी इको जी बोली पे सन। तो इस तरह के लोगों को ला के तो 5-10 हज़ार बंदा इसलिए 20 हज़ार से बाह दो और उसके बाद जनाब वहाँ पर ऐसे लगेगा कि अन्नी पै गई पाए। ये सच्ची बात है जो लोग कहते हैं कि लाखों का मजमा, वो सर बंदा अगर फर्ज करें वहाँ पे 40-50 हज़ार हो तो लखे ही लग रहा होगा, अन्ने वाह बंदा लग रहा होता है। ये कैमरे का कमाल है और कैमरा टेक्नोलॉजी जो है वो उस वक्त भी ये पीटीआई से बेहतर आज तक कोई नहीं सर, कैमरा टेक्नोलॉजी नू उन्होंने कोई मात नहीं कर सकया, ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी। बाहर इमरान खान को वहाँ से मिली थी किक, उसके बाद जनाब तड़ा तड़ बंदे जो हैं वो पीटीआई में शामिल करवाए गए, फिर पीटीआई को किसी ना किसी तरीके से जिंदा रखा गया, फिर जनाब जहूर हो गया जनाब ब्रिगेडियर क्या कहते हैं फैज साहब का, जो बाद में फिर मेजर जनरल हुए, फिर मेजर जनरल के बाद वो जनरल हुए, फिर जनरल बाजवा साहब साथ साथ थे, वो उन्होंने सरपरस्ती भी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा पीटीए ने फिर ग्रो किया क्योंकि उनके लिए हर दरवाज़ा खुलता था जो पीटी के लोग होते थे, जो इमरान खान के इशारे अब्रू के मुहताज थे, और जो पीटी के लोग नहीं होते थे, जो इमरान खान की सो कॉल्ड जो है कि कहते हैं ऑनेस्टी और उन्होंने हैंडसम होन तो इनकारी सन, नहीं सी मानते कि इमरान खान हैंडसम है पाएन, उन्होंने खिलाफ फिर हर बुआ बंद सी तो उन्होंने जिंदगी तंग सी, ठीक है। ये मामला चलता रहा, फिर इमरान खान औकात से बाहर हो गए सर, और फिर औकात से जब वो बाहर हुए तो नतीजा ये निकला कि जनाब जिन्होंने बनाया सी उन्होंने टाड़ा शुरू करता, और फिर इमरान खान की हुकूमत के सर से हाथ उठा लिया गया और फाइनली पहली बार पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की आइन के मुताबिक तब्दीली हुई सर, और इमरान खान साहब घर गए, जाना नहीं चाहता, हेलीकॉप्टर उतरिया तो गया पाइन, वो एम्बुलेंस आईया, वो जनाब प्रिजन वैन्स आईया, अदालतों के बूहे राती 12 बजे खुले, तो फिर भैन ख्याल आया कि ओहो काम सीरियस हो गया, लिहाजा फिर भैन जेड़े ना वो घर चले गए। थप्पड़ों वाली बातें झूठ है, वो मैंने तब भी कहा था वो बातें गलत हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अभी मंसूर अली खान ने जो क्या कहते हैं कि वो इंटरव्यू किया, या इंटरव्यू कह लें जो जनरल बाजवा से मुतल्लिक उनके करीबी तरीन ज़राए से बात करके जो उनकी गुफ्तगू जो है वो पहुंचाई है आवाम तक, वो उसमें भी उन्होंने कहा कि चपेड़ा चपड़ वाली गल बिल्कुल गलत है। अच्छा बहर हरकत लागे है ऐसा नखा सर्दियाँ, लेकिन बहर ऐसा वाक्य नहीं हुआ। मैंने ये बात भी जो की है ये बिल्कुल एक मजाक के तौर पर लाइट मोड में की है, मैं किसी भी मुंतखब वज़ीर आज़म को या किसी भी शख्स को चाहे वो मुंतखब हो चाहे वो ना हो तशद्दद करने के शदीद खिलाफ, मैं बिल्कुल किसी किस्म के मुतशद्दद रवैये का हमायत नहीं कर सकता। जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जनाब जिस तरह पीटीआई को बनाया गया था या उससे पहले मुस्लिम लीग काफ को बनाया गया था उसी तरह उसी तर्ज के ऊपर अब ये जो बात मैं कहने लगा हूं आपसे ये पॉलिटिकल हलकों के अंदर बहुत ज्यादा
जो खास लोग हैं उनके अंदर ये बात जो है वो सर्कुलेट कर रही भाई, घूम रही है, और वहाँ पर ये बातें हो रही हैं कि सर एक नई पार्टी उस तर्ज पर बनाई जा रही है। अच्छा, अभी इस हवाले से दो प्लान हैं जो जेरे बहस है। एक प्लान तो ये है कि जनाब एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए जिसमें डेसिडेंट्स हों तहरीक इंसाफ के, कुछ काफली के, और वो मिला के तो आप जनाब उनको एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर लॉन्च कर दें। अच्छा, और उसमें तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बाद में उसको ज्वाइन कर ले। ये एक प्लान है, प्लान ए ये है। प्लान बी ये है जनाब के क्या इस तरह हो सकता है कि काफ लीग में दोबारा रिवाइव कर लेता जाए। देखिए बंदे तो तकरीबन हो ही ना जो काफ लीग ही सन, कुछ जो पीपल पार्टी जो गए ने या नून लीग चो गए ने वो भाजी जिस वे हालात खराब वेखेंगे वो अपनी अपनी पार्टी वापस टुर जाएंगे। ठीक है, तो जो इलेक्टेबल्स हैं उनको साथ जो पीटीए के अंदर बैठे हुए हैं उसको उन्होंने भाएं तोड़ तोड़ के इधर मिलाता जाए और काफ लीग को दोबारा रिवाइव कर दिया जाए। लेकिन वहां पर एक इशू ये है कि जनाब अगर काफ लीग को रिवाइव किया जाता है तो सर जो क्या कहते हैं अपना चौधरी परवेज लाई साहब और चौधरी मोहन सलाई साहब इन्हों का की करना, इन्हों तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, ये नाकाबले इतबार हो गए। अब जो बात है वो जो हो रही है मैं आपको वो कह रहा हूँ, हालांकि मैं यकीन करें जो ये बातें ये कर रहे हैं कि चौधरी परवेज लई नाकाबले तबार है, मैं उसको नाकाबले तबार समझता हूँ, परवेज लई काबले तबार है। इसलिए कि परवेज लई के वो सर जीन्स ही नहीं है कि वो भैन यानी वे घर के खिलाफ सोच भी सकें, सोच भी सकें सर। तो लिहाजा वो अगर कोई इस तरह की बातें कर रहे हैं तो भाई ना वो इजाजत लै कर रहे हैं, अदरवाइज नहीं गल कर दे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इस वक्त प्लानर हैं या जो वहाँ पर गुफ्तगू हो रही है उनका ख्याल है कि प्रवेश ले जो है वो नाकाबले तबार हो गए। अब प्लान ए के मुताबिक करना ये चाह रहे हैं या जो डिस्कस हो रहा है वो ये हो रहा है कि जनाब पोलिटिकल पार्टी जो है उसकी सरबराही जो है वो करेंगे चौधरी शुजात साहब, और चौधरी शुजात साहब के साथ जनाब वहाँ पर तरीन साहब होंगे, अलीम खान होंगे, वहाँ पर चौधरी सरवर होंगे, वहाँ पर जो है वो तहरीके इंसाफ के बहुत सारे ऐसे इलेक्टेबल्स जो कि अब एम पी एस हैं या एम एन एस हैं वो भी उनको ज्वाइन करेंगे, और पार्टी जो है वो एक 2023 के इलेक्शन के लिए अपनिया जड़ी ना बावा बूवा सिद्धियाँ करेगी एंड डंट बैठका ला के मार्केट लॉन्च हो जाएगी। अब जाहिर है कि इतनी इतनी बड़ी एटीएम्स हैं, दो एटीएम काफ़ी ने पाए नहीं, ये तेरी तरीन साहब और अलीम साहब वाली दो एटीएम बड़िया बड़िया ने। अच्छा, ये बात जो है ना ये दो तीन दिनों से ये कुछ महफिलों में डिस्कस हो रही थी, तो मैं ये समझ नहीं पा रहा था। मैं कहता यार गल ना एवं हवा च ही किंग्स पार्टी लिए गल ही बड़िया हैं, वो दौर गुजर गया। जब देखें असल में जब ये बनी थी क्या कहते हैं काफ लीग, उस वक्त था परवेज मुशर्रफ साहब का दौर, मार्शाला लगा हुआ था, नवाज शरीफ पाकिस्तान जो फारग सी यानी वो जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहे थे, शहबाज शरीफ भी नहीं थे, बेनजीर भुट्टो साहबा भी नहीं थी, पाकिस्तान के अंदर जो है एक तबका जो था वो क्यादत लैस सी। ठीक है, लिहाजा यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ जनाब उन्होंने इधर उधरों नाक कट्ठे किए, उन्होंने काफ लीग का नाम दिता यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम का नाम दिया और जनाब इलेक्शन लड़के थे वो लॉन्च करता। नून लीग बेचारी टूटी फुटी कटी लुटी, यानी ये हालत सी नून लीग की उस वक्त के, उनके बड़ी मुश्किल से पंजाब असम्बली के अंदर कोई पता नहीं 28 के 29 एम पी एस थे बड़ी मुश्किल के साथ। ठीक है, पीपल्स पार्टी उस वक्त जो थी वो 105 एमपीएस के साथ जो थी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर वहाँ पर मौजूद थी। कासम ज़िया उसमें जो है अपोजिशन लीडर बने थे पीपल्स पार्टी के, राणा सनाउल्ला साहब जो हैं वो डिप्टी अपोजिशन लीडर बने, तब भी इन दोनों पार्टीज़ का आपस में अलायंस था। मैं एक्चुअली बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि वो दौर और था, मेरे जहन में ये बात थी, मैं कह यार ये गल्ला कर रहे हैं एवं ये ना कोई एडी कोई सीरियस गल नहीं। लेकिन सर आज मैंने आपको ये खबर इसलिए ब्रेक किया और ये जो मैं अब आपको वजह बताने लगा हूँ आपको इस बात से यानी मेरी बात से इतफाक करेंगे यकीनी तौर पे, एक बंदा सर चौधरी तनवीर इलियास, चौधरी तनवीर इलियास साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, और आप इस बात पर यकीन कर लें कि एफ आई काउंसलर नहीं जीत सकता अगर ये तरीके साहब में ना हो, इस बात पर आप यकीन कर लें। ये साहब जो हैं ये पंजाब के अंदर मुशीर के तौर पे रहे हैं उस्मान बुज़दार साहब के साथ,
और इनका वो प्लाजा आपको पता है बहुत बड़ा सा प्लाजा है जो नजायज बना हुआ कहते हैं नजायज बना हुआ है, पहले तो भाई बन के में गया नजायज, बहरहाल वो एक अलग कहानी है, वो फिर कभी बात करेंगे। मैं कहना यह चाहता हूँ कि जनाब ये वो चौधरी तनवीर साहब हैं, इस वक्त वजीर अजम आज़ाद कश्मीर हैं, ये भाई साहब ने एक इंटरव्यू दिया सर, और वो इंटरव्यू जो है वो आया है जियो टीवी के ऊपर, और इंटरव्यू लिया है सलीम साफी साहब ने, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि जनरल बाजवा से मुतालिक जो इमरान खान ने बात की है डबल गेम वाली, वो हकीकत पर मबनी नहीं है। मतलब है कि भाई कह रहे ने कि यार इमरान खान झूठ बोल रहे हैं जनरल बाजवे दे वाले ना, ठीक है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा के साथ बड़ी ज्यादती की है इमरान खान के लोगों ने, उनके खिलाफ बहुत गंदा प्रोपेगेंडा किया गया। अच्छा, अब ये वो दो बातें हैं जो इमरान खान सुन ले तो इमरान खान के तन बदन च अग लग जाती पाए। ये दो बातों में से दोनों बातें बल्कि जो हैं वो चौधरी मोहनसलाई ने की थी। चौधरी मोहनसलाई कौन है? चौधरी परवेजलाई का बेटा। चौधरी परवेजलाई कौन है? पंजाब का वजीर अला। और इमरान खान उसके बगैर जीरो है इस वक्त, हकीकत बात यह है, और परवेजलाई उसके बगैर जीरो है, ये इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है, ठीक है। तो चौधरी मोहनसलाई साहब ने जब ये इंटरव्यू दिया उसके अगले रोज वो भाई गए मिलन इमरान खान, वे भाई मिलन गए, तो वे भाई ने बुआ ही नहीं खोलिया, बार खिलाज रखिया भाई लैंड चलाता, ठंड च मुंडा खलोता रहा, मुड़ के जनाब उन्होंने फिर अद्धे घंटे बाद फैसल चौधरी जो कि फवाद चौधरी के भाई हैं उनके साथ जनाब खड़े होने की इजाजत मिली, और वेड़े जा खलो गए, अद्धा घंटा भलवान उत्थे खलोता रहा। उस तो बाद फिर इमरान खान साहब की बारगाह जो पेश होया तो पंजा मिनटा बाद मुंडा बाहर आ गया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये वो बयान है जिसके बाद चौधरी मोहनसलाई जैसा इस वक्त अहम तरीन आदमी जो है उन्होंने इमरान खान ने लिफ्ट नहीं कराई, उन्होंने फारक कराता। तो चौधरी तनवीर अलियास जरा बेचारा बेचने ही कुछ नहीं यार, इसलिए यानी जो क्या कहते हैं आजाद कश्मीर का वजीर अजम होता है उस बेचारे की तो हैसियत जो है वो इस्लामाबाद बैठा ग्रेड 19 का 18-19 का एक जो क्या कहते हैं अंडर सेक्रेटरी टाइप करेक्टर होता है ना जो वो सर उन्हें किसी टाइम भी पैसे रोक लेंदा कि जा बजट नहीं करना अब जा, और जनाब वजीर अजम कंधा च वज रहा होंगे कभी किसी पास कभी किसी पास साढ़े पैसे दे दो, ये जो है ना उनके हालात होते हैं। वो भाई साहब कह रहे हैं कि जनरल बाजवा के साथ बड़ी ज्यादती की इन्होंने और जनरल बाजवा से मतलब कि झूठ बोल रहे हैं। तो मैं इस बात के बाद मेरे जहन में ये सारी दोनों प्लान जो मेरे साथ 2-3 रोज पहले जो मुझे पता चले वो आए, मैं कह लै भी उस्ताद काम शुरू हो गया इस काम के उत्ते। और अच्छा, अब वो जो बातें कर रहे थे वो उनका कहना ये था कि सर ये यानी दिसंबर के अंदर अंदर आपको इसकी कोई ना कोई शेप नजर आ जाएगी, आप देखेंगे ये एक पार्टी की सूरत में लोग जो हैं वो किसी थान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होगी, कोई मेल मुलाकातें शुरू हो जाएंगी, इस तरह का एक आपको सीन नजर आ जाएगा। और इमरान खान जो असम्बली तोड़न दी बढ़िया तड़े तुड़े करा रहे हैं भाई, उसकी गुब्बारे जो फूक सारी कट दी जाएगी, मार्च मूर्च तक तो भाई फारग हो जाएगा काम बिल्कुल, और 2023 का जो इलेक्शन होगा उसमें ये पार्टी विद द ब्लैसिंग ऑफ वड्डा घर जो है वो चीजों के साथ जाएगी। अच्छा, अब ये सारी बातें हैं सर, जरा से मैं इन बातों के ऊपर मतलब माजी को जहन में रखिए तो यकीन करना भी चाहिए, ये ऐसी बात भी नहीं है कि जरूर माजी में ऐसा नहीं हुआ, माजी में ऐसा हुआ है, लेकिन अब चूंकि स्टेब्लिशमेंट बकायदा बबांगे दोहल ये बात कहती है कि जनाब हम ए पोलिटिकल हैं और न्यूट्रल हैं और हमने ये रहना है, तो सर इसलिए मुझे इस बात के ऊपर डाउट होता है कि यार ये गल्लां हो रही हैं ना इहदे च कोई दम हम नहीं है। अब मैं आपसे अर्ज करूँ, जरूरी नहीं होता कि आप बराह रास्ती यानी नंगे चिट्टे हो गए सामने आइयो तो पार्टियां बनाते फिरो। सर अगर आप तरीन साहब से कहें बस एक बंदे नूं कह दिओ, एक फोन कर दो तीन जाने तीन चार वड्डियां नूं कि यार इकट्ठे हो जाओ, तो आप ही इकट्ठे कुट्ठे हो जाएंगे, वो जिसले शहद होएगा तो मक्खियां मुखियां आप ही आ जाएंगियां तो कम टुर पेगा, ये भी तो हो सकता है ना। बाहर पाकिस्तान की सियासत है सर, यहाँ पर होता कुछ है दिखता कुछ है बताया कुछ जाता है तो गल भी चुप होर निकल आती है, कुछ ना समझे खुदा करे कोई वाला सीन होता है सर, बंदे का दिमाग है ना चकरा के रह जाता है। लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी, मेरा आपके साथ चूंकि एक वादा है कि जो ब्राह्मणा की मुखबरी होएगी वो मैं आप तक पहुँचा दूंगा, तो मैंने सर आप लोगों तक ये मुखबरी पहुँचा दी कि इंज दी गल्लां हो रही ने, अब ये इस पर अमल जो होया है
वो किस हद तक मुमकिन होगा वो अब आने वाला वक्त बताएगा। उसके लिए आप भी इंतजार करें तो मैं भी इंतजार करता हूं, लेकिन कमेंट जरूर करें अपना मगर तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले भी लाग।